हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है या बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, नीट की प्रिपरेशन जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया, अनअकैडमी इंस्पायर। बेसिकली इसमें होगा क्या, ये आपके लिए एक रिवीजन कैंप की तरह है जो 2021 और 22 की नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ये चलेगा 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। और पूरा एकदम इसका शेड्यूल फिक्स है कि 14 दिसंबर को आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कौन से टाइमिंग में आ जाएगा, साथ में 15 दिसंबर। इसी तरीके से आप डेट वाइज देख सकते हो कौन सा टॉपिक आपको किस दिन चलेगा और क्या टाइमिंग रहेगा। ठीक है, और ये रिवीजन आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी इस क्लासेस को अटेंड करो। देखो बिल्कुल फ्री में, यहां पर आपको 1 रुपीज का लॉस नहीं है। ठीक है, आपको ये क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करोगे सभी क्लास ओपन हो जाएंगी। यहां पर एक कोड मांगेगा ओपन करने के लिए, और जो स्क्रीन पर आपको कोड दिख रहा है वो जैसे ही डालोगे सारे क्लासेस आप फ्री में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है देखिए यहाँ पे। ठीक है, बायो और टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी देखिए। बायो, बायो का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिविंग होता है। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। ठीक है, और लिविंग का मतलब होता है सजीव। लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव होता है दोस्तों। और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई एक टेक्निक ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना? टेक्निक। ठीक है, तो जब सजीव के साथ, बायो का मतलब, बायो का मतलब सजीव, और सजीव में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है, तो जब हम लोग अभी हम लोग 12th में हैं, अब तो सारी बुक एक में आ गई है, लेकिन पहले क्या होता था, बॉटनी की बुक अलग होती थी और जूलॉजी की बुक अलग होती थी। मतलब बॉटनी के अंदर हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जूलॉजी के बारे में, मतलब जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस समय की जो बुक है एनसीईआरटी पैटर्न में सारे चीज़ें एक साथ दे दी गई हैं। प्लांट को भी एक ही बुक में दे दिया गया है और एनिमल को भी एक ही बुक में दे दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बायो के साथ अगर टेक्निक लग जाती है दोस्तों तो इसको क्या बोल दिया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी बोल दिया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इट इज अ एलियन ऑफ द सेल, इट इज अ एलियन ऑफ द बायोलॉजी है मेरे प्यारे दोस्तों। जब ये बायोलॉजी के फील्ड में आया था, बायोलॉजी के क्षेत्र में आया था, जीव विज्ञान के क्षेत्र में जब आया था बायोटेक्नोलॉजी, तो क्या था, एक एलियन की तरह था। मतलब इसके अंदर एक अपार शक्ति थी, जैसे कि एक एलियन के पास शक्ति होती है, इसी तरह क्या था, बायोटेक्नोलॉजी था। तो बायोटेक्नोलॉजी जो जैव प्रौद्योगिकी होता है उसका उपयोग जो होता है, हम लोग अपने जीवन के अंदर क्या क्या चीजें घटित होती हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो जो बायोटेक्नोलॉजी होता है दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों को एक टेक्निक के द्वारा उससे यूज होने वाले ह्यूमन के वेलफेयर, मतलब ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के लाइफ में, ह्यूमन के जीवन में क्या चीजें यूज होती हैं, जितनी सारी चीजें आवश्यक हैं, उसे हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के जरिए प्राप्त करते हैं या जैव प्रौद्योगिकी के जरिए प्राप्त करते हैं। तो अब ह्यूमन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, मनुष्य के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो मैंने बताया कि बायो में क्या आ जाएगा, हमारा प्लांट भी आ जाएगा और जंतु भी आ जाएगा। और इस चीज को जब हम लोग टेक्निक जोड़ देंगे इसके साथ, मतलब टेक्निक का मतलब ये होता है बच्चों यंत्र, यंत्र का मतलब कोई मशीन जिसके थ्रू हम लोग कोई काम को आइसोलेट कर सकें, कोई
कोई प्रोडक्ट को हम लोग आइसोलेट कर सकें, तो ये हो जाता है टेक्निक, जैसे बायोटेक्नोलॉजी होता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे हमारे सेल के अंदर क्या होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर माइटोकांड्रिया होता है, गाल्जी काय होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा क्या है, टिश्यू है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, टिशू है। टिशू का मतलब होता है दोस्तों उत्तक, ठीक है। टिशू का मतलब क्या होता है, उत्तक होता है। तो उत्तक हमें क्या बोलता है, उत्तक क्या होता है, ठीक है, हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो होता है वो क्या कहलाता है, टिशू कहलाता है दोस्तों। बॉडी का कोई भी ऑर्गन मतलब ये हो जाएगा हमारे बॉडी का, चाहे हेयर हो गया, ठीक है, कोई स्किन हो गया, ठीक है। इसी तरह प्लांट का जो ऑर्गन होता है, प्लांट का कोई हम लोग लीफ ले लिए, कोई रूट ले लिए, कोई स्टेम ले लिए, तो उस एक ऑर्गन से जब हम लोग किसी एक डिफरेंट ऑर्गन को आइसोलेट करते हैं तो ये कैसे संभव है, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गन्स हैं, मिक्सचर ऑफ का मतलब इसके अंदर माइटोकांड्रिया भी प्रेजेंट है, गाल्जी बॉडी भी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है दोस्तों। तो अब हमें ये बता दिया गया, अब हमें ये हमें ज्ञात क्या करना है कि इसमें से भैया आप माइटोकांड्रिया को आइसोलेट करो, किसको आइसोलेट करो, माइटोकांड्रिया को, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया को अब हमें आइसोलेट करना है तो कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, ये संभव है, ठीक है। कैसे संभव है दोस्तों, आप लोग एक यंत्र के बारे में पढ़े हैं, एक टेक्निक्स के बारे में पढ़े हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। क्या है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज है दोस्तों, और इसका पूरा नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ना, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है दोस्तों। एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी कोशिकांग को, किसी भी सेल ऑर्गेनल्स को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसका स्टेप क्या होता है, इसका जो स्टेप होता है, स्पीड होता है और हावर्स होता है, ठीक है। तो कितने घंटे, कितने स्पीड से अगर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज रन करता है, चलता है, तो हमें कौन सा ऑर्गन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बायोटेक्नोलॉजी। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि बायोटेक्नोलॉजी कोई नई ब्रांच नहीं है बच्चों, ये बहुत ही पुरानी ब्रांच है, बहुत ही पुरानी शाखा है। जब हमारे भगवान कृष्ण जी हुआ करते थे उस समय की ये क्या है, ब्रांच है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग क्या बना सकते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग दूध से दही बना सकते हैं दोस्तों, पनीर बना सकते हैं दोस्तों। तो उस समय क्या भगवान कृष्ण थे तो माखन नहीं खाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे संभव थी, बायोटेक के थ्रू ही संभव थी। लेकिन उस समय इसका नाम कोई जैव प्रौद्योगिकी के नाम से नहीं जानता था और ना ही कोई बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था। अभी हम लोग बात करें तो इसका जो पहला प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट का मतलब जब बायोटेक्नोलॉजी हमारे क्षेत्र में आया था, हमारे फील्ड में आया था या हमारे जीवन में जब आया था, तो इसका जो पहला प्रोडक्ट है दोस्तों वो क्या बना, अल्कोहल बना। अल्कोहल का मतलब दारू, ठीक है दोस्तों, दारू, अल्कोहल, शराब है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला प्रोडक्ट है या पहला जो उत्पाद है वो क्या है, तो अल्कोहल है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल बायोटेक्नोलॉजी का पहला प्रोडक्ट है। हम लोग जब पुरानी मूवी देखते हैं, पुरानी फिल्में देखते हैं, तो उसमें जो राजा महाराजा लोग होते हैं उस समय की ये क्या है, ब्रांच है दोस्तों। उस समय की ये ब्रांच है कि हम लोग उस समय क्या जानते हैं, अगर उस समय की बात करें और इस समय की बात करें तो बस नाम में परिवर्तन आ गया है कि इसी चीज़ को हम लोग एक अलग नाम से क्या जाना, पुकारा जाता है। तो जैसे हम लोग उस समय अल्कोहल, शराब के नाम से जानते हैं, तो जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उसी चीज़ को या इसी नाम को हम लोग किस नाम से जानते थे, मदिरा के नाम से जानते थे या सोम रस के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आप लोग जैव प्रौद्योगिकी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो जूलॉजी और बॉटनी के जो बच्चे होते हैं वो बॉटनी के बच्चे अगर रहेंगे, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान होता है और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग केवल पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान,
जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी और बॉटनी के जो बच्चे हैं ये तो केवल जानवर और प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन जो एक बायोटेक ब्रांच होती है, मैंने बताया ना कि एक बायोटेक ब्रांच है, जब आप लोग एमएससी करोगे, ये आपको बीएससी में एक यूनिट मिलेगी, लेकिन एमएससी लेवल पे जब जाओगे, मास्टर ऑफ साइंस जो होता है दोस्तों, एक किसी एक सब्जेक्ट से किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हो गया माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो इसी तरह एक ब्रांच है जो बायोटेक्नोलॉजी होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तब उसमें हम लोग टेक्निक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेक्निक पढ़ते हैं। अब जैसे कोई मिक्सचर आ गया हमारे पास, क्या है, जैसे कोई मिक्सचर है, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब दिवाली आती थी तो दिवाली के एक दिन बाद, मतलब सुबह में हम लोग जो दिया जलाते थे गांव में, ठीक है, ऑयल वाला, तो इसको लेके बचपन में क्या हम लोग करते थे, तरजुई बनाते थे ना। तरजुई जब बनाते थे तो उसके एक दो दिन बाद क्या होता था, गोवर्धन पूजा होता था। तो जब गोवर्धन पूजा होता था तो जो हमारी तरजुई हुआ करती थी, ऐसे हम लोग बनाते थे, ठीक है। तो उसमें क्या था, हम लोग जो अपना लाई और चूरा जो था इसको रखते थे, ठीक है, और जो इसका धागा है दोस्तों, इसका धागा जो पकड़ने वाला था ऐसा, जब इसको हम लोग मोड़ के, ऐसे ऐसे मोड़ के जब घुमाते थे तो काफ़ी तेज नाचता था, ठीक है। और जब काफ़ी तेज नाचता था तो उसमें जो चूरा, लाई, मान लीजिए थोड़ा सा इसमें कुछ चीनी का प्रोडक्ट है, कुछ शुगर है, तो इसमें जो बड़ी चीज़ें होती थी वो क्या होती थी, ऊपर बैठ जाती हैं। जो बड़ी चीज़ें होंगी क्या हो जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी, और जो छोटी चीज़ें होती थी वो नई अप नीचे चली जाएंगी, मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो था अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज का था, ठीक है। तो जो बड़े ऑर्गनल्स या जिसकी साइज बड़ी है वो पहले आ जाएगा, जिसकी साइज छोटी है वो बाद में आता है, ठीक है। तो एक ही टेक्निक नहीं है दोस्तों, बहुत सारी टेक्निक हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, और बहुत ही फेमस टेक्निक जो हम लोग अभी यूज करते हैं, हमारे लैब में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मेडिकल फील्ड में यूज होता है, जिसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोपी नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा यंत्र है जो सारे लोग यूज करते हैं, तो ये भी किसका है, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो सूक्ष्मदर्शी हम लोग यूज़ करते हैं वो भी कई डिफरेंट टाइप की होती हैं ना, ठीक है। जैसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी होता है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है ये बहुत ही माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए यूज़ होता है, जिससे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, मतलब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसको अगर इस चीज़ से हम लोग नहीं देख पाते हैं तो फिर हम लोग किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं ये भी क्या है, एक यंत्र है। अगर हम लोग क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो जो क्रोमेटोग्राफी होता है, क्रोमेटोग्राफी जो होता है ये मोस्टली क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए होते हैं। चार्ज पार्टिकल का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, चार्ज पार्टिकल का मतलब ये होता है कि किस मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किस मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम लोग डीएनए और प्रोटीन की बात करें, ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन की बात करें तो डीएनए के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटीन के ऊपर तो दोनों ही होता है दोस्तों, पॉजिटिवली भी होता है और नेगेटिवली भी होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को, मान लीजिए कोई एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव अमाइनो एसिड है, कोई नेगेटिव अमाइनो एसिड है, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे आइसोलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे आइसोलेट करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू और इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को जैव प्रौद्योगिकी थोड़ा सा समझ में आया होगा, और जैसा कि मैंने बताया कि जो जैव प्रौद्योगिकी होता है ये हमारे जीवन में या हमारे लाइफ में कैसे यूज है इसका, ठीक है। तो कैसे यूज है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि पारजीनी जंतु क्या होता है, पारजीनी जंतु का मतलब ये होता है दोस्तों कि क्लोनिंग, ठीक है, क्लोन, सबसे पहला क्लोन क्या बना था, तो सबसे पहला क्लोन क्या बना था दोस्तों, क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कॉपी, क्लोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉपी होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, फोटो कॉपी होता है, या फोटो स्टेट कर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। फोटो स्टेट जानते हो ना आप मेरे प्यारे दोस्तों, फोटो स्टेट का मतलब होता है सेम टू सेम, ठीक है, मतलब जैसा मैं हूँ
सेम मेरे जैसा जुड़वा, ऐसे समझो, ठीक है। तो पारजीनी जंतु को भी ऐसे ही बोलते हैं क्लोन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोन, ठीक है। तो क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी आपके टिशू से, कि कोई भी टिशू से, मतलब जैसे आपका हेयर हो गया, आपका हेयर क्या है, एक टिशू है, और इस हेयर से मैं चाहूँ तो आपके जैसा सेम एक एनिमल्स या सेम कोई दीपक, मान लो महेश नाम का कोई लड़का या दीपक नाम का लड़का है, उसके सेम जैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग आइसोलेट करके, मतलब उस इसके बाल से या हेयर से, किसी भी टिश्यू से हम उसके जैसे व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट इज़ अ रियलिटी, ये हो सकता है दोस्तों, और उसी को बोलते हैं पारजीनी जंतु। तो सबसे पहली पारजीनी जो जंतु है वो क्या है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सबसे पहला जो एनिमल था क्लोनिंग वाला वो क्या है, डॉली है, ठीक है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, डॉली है। डॉली क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, डॉली एक एनिमल है, एक सीप है। डॉली क्या है, एक सीप है मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखिएगा, डॉली क्या है, एक सीप है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि फर्स्ट क्लोन कौन सी थी, फर्स्ट क्लोन कौन सी थी, दे देगा काऊ, ठीक है, गोट, सीप, ठीक है, या तो ऐसे दे देगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि सीप है और डॉली क्या है, एक सीप है, डॉली एक सीप का नाम है, ठीक है ना। और डॉली किससे बनी थी, पॉली और मॉली से मेरे प्यारे दोस्तों। पॉली और मॉली क्या है, ये डॉली के मम्मी और पापा थे, ठीक है। डॉली, पॉली और मॉली से क्या बनी, डॉली बनी। तो डॉली की खासियत क्या थी, मतलब पॉली और मॉली की खासियत क्या थी, इसके पास कोई जनरेशन नहीं थी ना, इसके पास कोई जनरेशन नहीं थी, और जनरेशन ना होने के कारण इसकी जो लाइफ थी वो डेथ होने वाली थी। मतलब उसके अंदर कुछ तो खासियत रही होगी ना, कि वो क्या क्या थी, इसके अंदर कुछ खासियत रही होगी और वो डेथ करने वाली थी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, क्लोनिंग किया। तो क्लोनिंग करके डॉली, डॉली जो थी कुछ दिन तक सरवाइव की, लेकिन फिर इसके बाद क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो पहला क्लोन जो था ये था। तो पारजीनी एनिमल कैसे बनाया जा सकता है, जो क्लोनिंग एनिमल्स होते हैं दोस्तों, एक किसी भी टिश्यू से क्या होता है, आपके टिश्यू से किसी भी बॉडी ऑर्गन का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, ऊतक होता है, चाहे आपका हेयर ले लें, हम कोई स्किन पार्ट्स ले लें, तो उससे हम लोग आपकी, आपके जैसे हम लोग फोटो स्टेट कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों क्या होता है, हर एक चीज़ का कुछ मिसयूज होता है और कुछ यूज होता है। तो बायोलॉजी के क्षेत्र में क्या हो गया, हमारा मिसयूज हो गया ना। लेकिन अगर हम लोग अगर एनिमल के अंदर हम लोग ऐसी चीज़ें करने लगें तो ये हमारे लिए मिसयूज होने लगेंगी। क्यों होने लगेंगी, कि अगर एक ही एनिमल का दो चार फोटो कॉपी हो जाएगा, मतलब दो चार जैसे एक ही जैसे लोग दिखने लगेंगे, तो कोई कहीं पे भी कत्ल कर रहा है, कोई कहाँ पे क्या कर रहा है, कोई कहीं पे कुछ कर रहा है, और जो पुलिस होगी किसी और को ढूंढेगी, किसी और को पकड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मिसयूज हैं। और एनिमल के केस में, एनिमल के लाइफ में या एनिमल के केस में इसको बैन किया गया है दोस्तों। लेकिन प्लांट की अगर हम लोग बात करें, पौधों की अगर हम लोग बात करें, तो पौधों के केस में इसको परमिशन दी गई है। आप लोग देखे होंगे गोभी जो होती होगी कई टाइप्स की है, शिमला मिर्च जो है कई टाइप्स की है, लौकी जो होती कई टाइप्स की बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे हैं, क्लोनिंग के थ्रू ही बनाई जाती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमें उम्मीद है क्लोनिंग समझ में आ गया होगा कि क्लोनिंग क्या होता है, कि आपके किसी भी टिश्यू से, आपके किसी भी ऑर्गन से एक नए एनिमल, आप ही की जैसा एक नए एनिमल का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है, या पारजीनी जंतु कहलाता है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन मेन जो एग्जाम्पल है दोस्तों डॉली ही आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि डॉली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट जो होता है, रिकॉम्बिनेंट जो होता है, ये क्या होता है, देखिए री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, दोबारा होता है। मतलब किसी भी एनिमल्स को उसके अंदर कुछ मॉडिफाइड करके, कुछ चेंज करके, इसको एक नए एनिमल्स को क्या करना, कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट एनिमल, या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी भी बोला जाता है।
तो जीन अभियांत्रिकी क्या होता है? जीन अभियांत्रिकी ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत सारी प्रोसेस आती हैं या बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले हमें तो इसमें एंजाइम्स के बारे में जानना जरूरी है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो होते हैं दोस्तों, सबसे पहले एंजाइम हम लोग जान लेते हैं। एंजाइम जो होते हैं डिफरेंट टाइप होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वह हमारे किसी भी कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है ये होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है दोस्तों। दो एंजाइम होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है दोस्तों, ये कोई डीएनए होगा, कोई डीएनए होगा तो डीएनए जो होगा दोस्तों, डीएनए जो होगा, डीएनए का ये जो स्ट्रैंड होता है, मान लीजिए स्ट्रैंड है हमारा डीएनए का, तो एक्सोन्यूक्लिएज जो होता है वो बाहरी साइड पे कट करता है। एक्सोन्यूक्लिएज कहाँ कट करेगा? बाहर साइड पे कट करेगा। ठीक है, और इंडोन्यूक्लिएज जो होगा दोस्तों वो कहीं यहाँ पे कट करेगा, बीच वाले पोर्शन और स्पेसिफिक रीजन पे कट करता है। इंडोन्यूक्लिएज, इंडो का मतलब ही होता है अंदर साइड, ठीक है, और एक्सो का मतलब होता है बाहर साइड। ठीक है दोस्तों, तो ये दो एंजाइम आप लोग याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, और इन ये जब काट दिए जाते हैं, जब इनको कट करके निकाल दिया जाता है, तो इसको अब सील भी तो करना है ना दोस्तों। सील करने का मतलब इसको सीना या जोड़ना, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज जो होता है ये क्या होता है? गम की तरह होता है। गम का मतलब होता है गोंद, ठीक है, चिपकाने वाला, ठीक है, गम नहीं, ठीक है। तो गम को जो होता है, डीएनए लाइगेज जो होता है इसको सील करने का काम करता है डीएनए के स्ट्रैंड को। और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज जो होते हैं मॉलिकुलर सीजर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, मॉलिकुलर सीजर के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वो कट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इंडोन्यूक्लिएज जो होता है डीएनए के इंटरनल साइड पे कट करता है मेरे प्यारे दोस्तों, और एक्सोन्यूक्लिएज जो होता है डीएनए के बाहरी साइड पे कट करता है। अब जब कट कर दिया जाता है, इसको काट के निकाल दिया जाता है, तो जो भी हमें इसके अंदर कोई भी जीन को इंटर करना है, किसी भी जीन को क्या करना है, उस प्लेस पे क्या करना है, इंटर करके, यहाँ पे मान लीजिए कोई जीन था, यहाँ पे इंटर कर दिए हम लोग। अब इंटर करके क्या करके इसके मतलब अब क्या आ जाएगा, हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी ना, क्या करेगी? वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है लेके आना और लेके जाने वाला, ठीक है, लेके आने वाला और लेके जाने वाला। तो वेक्टर जो होते हैं प्लाज्मिड होते हैं, हमारे बैक्टीरियल हो सकते हैं, हमारे वायरल वेक्टर हो सकते हैं। तो मान लीजिए हमने प्लाज्मिड वेक्टर को चूज किया या इकोलाई को लिया, तो इकोलाई भी क्या करता है? एक वेक्टर की तरह काम करता है। तो इकोलाई को लिया और इसके अंदर जो न्यू डीएनए था इसके अंदर इंसर्ट करके, और फिर जिसके अंदर चेंजेस लाने हैं इस एनिमल के अंदर क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। और जब इंजेक्ट कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर वो क्या हो जाएगा? एक नया एनिमल्स या एक नए इसके अंदर करेक्टर आ जाएंगे, जिसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। री का मतलब दोबारा, कॉम्बिनेंट का मतलब एक नए जोड़ से, ठीक है, एक नए तरीके से बनना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिकली इंजीनियरिंग। जेनेटिकली इंजीनियरिंग का मतलब अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। अभियांत्री लोग इंजीनियर लोग होते हैं ना दोस्तों, इंजीनियर की हिंदी क्या होती है? लोग कहते हैं ना कि लड़का इंजीनियर है, तो इंजीनियर की हिंदी क्या होती है? अभियांत्रिकी। ठीक है, तो इंजीनियर लोग क्या करते हैं? तोड़ मोड़ करते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई हार्डवेयर इंजीनियर है, तो इन लोगों का काम क्या होता है? तोड़, किसी भी चीज को तोड़ना फिर इसको जोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना फिर इसको जोड़ना। तो इसी तरह हमारे बायोलॉजी में जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, जो किसी भी जीन को, एक अच्छे जीन को इसके अंदर इंसर्ट करके एक नए डीएनए का क्या करना, फॉर्मेशन करना मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, जीन चिकित्सा। इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। क्या बोला जाता है? जीन थेरेपी मेरे प्यारे दोस्तों। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। ठीक है, ये भी एक टेक्निक्स ही मान लेते हैं इसे, क्योंकि जीन थेरेपी जो होता है ये सबसे पहले एडीनोसिन डी एमिनेज, ठीक है, एडीनोसिन डी एमिनेज एक डिजीज़ था, एक डिजीज़ है जिसके बारे में हम लोग, जिसके द्वारा हम लोग क्या कहें, यूज किया गया इसके उपलक्ष्य में, एडीनोसिन डी एमिनेज को लेके क्या किया गया, यूज किया गया। एक 13 इयर्स गर्ल्स थी, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया गया, इसको डिजीज़ हुआ था, तो
उस एंजाइम को कट करके उस जीन को, एक स्पेसिफिक जीन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी जो जीन होता है एक स्पेसिफिक जीन होता है जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक जो जीन होता है हमारे अंदर जो जीन होते हैं, मैंने बताया ना मैं जब जेनेटिक्स पढ़ा रहा तो इसमें मैं बता रखा था आप लोगों को कुछ जी जो जीन होते हैं वो हमारे लक्षण के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब हमारे अंदर 29,000 जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं दोस्तों? 29,000 जो जीन होते हैं। और जीन पाए कहाँ जाते हैं? इसी क्रोमोजोम के ऊपर पाए जाते हैं। 46 क्रोमोजोम के ऊपर 29,000 जीन पाए जाते हैं। तो अब हर एक जो जीन होता है हर एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हो सकता है एक से अधिक जीन जो होते हैं एक ही फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हों दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एडिनोसिन डीएनए जो डिजीज थी, इसको इस डिजीज के अंदर हम लोग जीन थेरेपी को सबसे पहले यूज किया गया था। जीन थेरेपी को इसी डिजीज के लिए सबसे पहले यूज किया गया था। एक 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी जिसके अंदर इसको यूज किया गया था, ठीक है। तो जीन थेरेपी जो होता है, जीन थेरेपी में क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये जीन है, ठीक है, ये हमारा जीन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हमारे क्या है, क्रोमोसोम है ना, ये हमारे क्या है, क्रोमोसोम है। और हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या है, हमारा जीन है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, हमारा जीन है। तो जो जीन होते हैं, अब हमें हम लोग जो जीनोम सीक्वेंस होता है, इसके पहले आप लोग पढ़े भी होंगे जीनोम सीक्वेंसिंग या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये सारी स्टडी इतनी एडवांस हो गई दोस्तों कि अगर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग अगर हम लोग किसी का भी सीक्वेंसिंग कर लिए हैं तो उसके लाइफ के बारे में हमें पता हो गया है कि इसका इसके अंदर जीन कितना पाया जाता है, कौन सा जीन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता है तब हम लोग जीन थेरेपी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डायबिटीज़ का जो जीन होता है, मान लीजिए 11th क्रोमोसोम पे पाया जाता है। अगर 11th क्रोमोसोम पे डायबिटीज़ का जीन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो अब ये क्या है, ये तो हमारे डायबिटीज़ का जीन हुआ ना दोस्तों, ये डायबिटीज़ का जीन हुआ। अब डायबिटीज़ का जीन जब 11th क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है तो इसी के द्वारा हमारे अंदर जो है डायबिटीज़ जो डिजीज़ है ये हो रही है। अगर इस जीन को काट के इस जीन को निकाल दिया जाए और यहाँ पे एक नए जीन को क्या कर दिया जाए, इंटर कर दिया जाए, तो डायबिटीज़ का डिजीज़ तो हमारे अंदर चला गया ना। डायबिटीज़ का जो जीन था जो हमारे लिए डोमिनेंट हो रहा था, जो प्रभावी हो रहा था या जो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको काट के मैंने निकाल दिया, उसको काट के मैंने निकाल दिया बाय द प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा। उसको इस प्लेस से काट के एक नए जीन को, न्यू जीन को क्या कर दिया गया, इंटर कर दिया गया या इसके अंदर सेलेक्ट कर दिया गया। और जब इसके अंदर सेलेक्ट कर दिया गया तो हमारे अंदर जो डायबिटीज़ का जीन था वो क्या हो गया, हट गया या दूर हो गया, चला गया, एक नए जीन का इंसर्शन हो गया हमारे अंदर, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी बोला जाता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं मानो इंसुलिन के बारे में, ठीक है। मानो इंसुलिन मतलब ह्यूमन इंसुलिन। इंसुलिन का नाम तो आप लोग सुने होंगे ना, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, एक हार्मोन भी है जो हमारे पैंक्रियाज ग्लैंड से रिलीज होता है दोस्तों। कहाँ से रिलीज होता है? पैंक्रियाज से, ठीक है। पैंक्रियाज से जो होता है, पैंक्रियाज हमारे अंदर ग्लैंड होती है। जब आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो यहाँ पे ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पैंक्रियाज। तो हमारे अंदर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ग्लैंड जो होती है, ये अल्फा सेल्स और बीटा सेल, दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो उनसे एक इंसुलिन, ठीक है, एक इंसुलिन को रिलीज करता है और एक ग्लूकेगॉन को रिलीज करता है, ग्लूकेगॉन, ठीक है दोस्तों। तो इंसुलिन जो है एक प्रोटीन भी है और एक हार्मोन भी है। तो इंसुलिन के अंदर दो चेन पाई जाती हैं, एक होती है ए चेन और एक होती है बी चेन, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ए चेन जो होती हैं 21 अमाइनो एसिड से बाइंड करती हैं या 21 अमाइनो एसिड के साथ बाइंड होकर जुड़ी रहती हैं, और बी चेन जो होती हैं दोस्तों वो 30 अमाइनो एसिड के साथ क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं बाय द पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो मानो इंसुलिन जो होता है हमारे अंदर क्या होते हैं, इंसुलिन जो होते हैं, जो डायबिटीज जो डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं,
डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर जो इंसुलिन होता है ये तो कम हो जाता है ना, इंसुलिन का जो लेवल है ये कम हो गया, ठीक है, माइनस का मतलब कम हो जाना, ठीक है, और बढ़ क्या जाना, ग्लूकेगॉन, ठीक है, ग्लूकेगॉन बढ़ जाना, जब ग्लूकेगॉन बढ़ेगा तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, और जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। अब इंसुलिन का लेवल जब कम हो जाएगा तो यही जो प्रोसेस होती है हमारे अंदर क्या होती है, डायबिटीज़ से हम लोग सफ़र करने लगते हैं। किससे सफ़र करने लगते हैं, डायबिटीज़ से या मधुमेह रोग से, डायबिटीज़ की हिंदी होती है दोस्तों मधुमेह, ठीक है। तो इंसुलिन को भी सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया था, ठीक है, और इसको एक ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ई कोलाई के अंदर क्या किया गया, इंसर्ट किया गया, ठीक है, ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करके इसको देखा गया, एस्केरिसिया कोलाई, ठीक है, इसका नाम क्या है, एस्केरिसिया कोलाई देखा गया, और फिर इसको क्या किया गया, मार्केट में डेवलप कर गया, डेवलप मतलब इंजेक्शन के रूप में इसको क्या कर दिया गया, डेवलप कर दिया गया, ठीक है। तो आज जो थे ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक थे जिनका नाम था पारजीनी जंतु, पुनर्योग डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा, मानव इंसुलिन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, नोट्स आप लोगों को मिला ही होगा प्रॉपर तरीके से, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का ये जो समय चल रहा है ना बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही बेस्ट चल रहा है, क्योंकि अभी तक कोई एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, और ये अच्छी बात है कि जितना लेट होगा एग्ज़ाम उतना आपके लिए क्या है, अच्छा है, और आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत होती, पारजीनी जंतु क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है, जीन चिकित्सा क्या होता है, कैसे होता है, जीन चिकित्सा का मेथड जो हम लोग कैंसर पढ़ते हैं, जब कैंसर किसी को होता है तो इसमें भी यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। कैंसर में एक प्रोसेस आती है कीमोथेरेपी, ठीक है, तो कीमोथेरेपी और जीन थेरेपी दोनों अलग हैं, ठीक है। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि कीमोथेरेपी जो होता है इसमें हाई मेटल का यूज किया जाता है, हाई मेटल्स का मतलब निकिल, सिलिकॉन, इनको क्या किया जाता है, जैसे माउथ कैंसर हो गया तो माउथ कैंसर में हाई मेटल्स को ट्रीट किया जाएगा, मतलब उससे जलाया जाएगा, ठीक है। और जब जलाया जाएगा तो यहाँ पे लास्ट प्रोसेस होती है जो कीमोथेरेपी होता है, जब दवा से नहीं ठीक होता है, ऑपरेशन से नहीं ठीक होता है, तो लास्ट स्टेट जो होती है, किसी को भी हम लोग सुनते हैं गांव में अपने अगल बगल के, कीमो चढ़वाना है भैया, कीमो चढ़वाना है, तो कीमो चढ़वाने का मतलब यही होता है कि इनको कीमो लगाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इंसुलिन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंसुलिन एक प्रोटीन भी है दोस्तों, और एक हार्मोन भी है जो कि पैंक्रियाज जो ग्लैंड है इसे मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, किससे जानते हैं, मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मिक्स ग्लैंड का मतलब दोनों सिक्रीट करना, ठीक है, हार्मोन्स को भी और एंजाइम्स को भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।